punish us with the power. Yeah. बताना नहीं है किसी को, क्योंकि लोग मांग लेंगे। अब इसको अगर हम अपनी फिंगर से हटा के यहां रखना चाहें तो ये रखा जा सकता है। अब ये जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास को काम करें। इसको इसके ऊपर खड़ा करके देखिए, जादू मनाला जा। अब ये कोई जादू का तो नहीं है यार, सिंपल अभी हिलता रहेगा जब तक मेरा हाथ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, ये हिलता रहेगा, गिरेगा नहीं। ये आपके सामने ये गिरेगा नहीं, कंफर्म है ये गिरेगा नहीं, सारा दिन ऐसे हिलता रहेगा। इवन अगर आप पंखा भी चला लोगे ना तो शायद ये ना गिरेगा, चाहे कह रहा हूँ नहीं गिरेगा, ट्राई कर देखो। चलो ट्राई करो, मैं हाथ पकड़ा भाई, मैं ऐसे करवाएं हमारे अच्छे नहीं है, गिर जाएगा सर फोन तो ये एक्चुअली ये सर ये ऐसा इसमें क्या था, कौन सा जादू है? कोई जादू नहीं, सिंपल जादू इस चीज का है कि ये सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हमने पकड़ा है जो कि आपके पास सेंटर पे, जब अगर आप उस पॉइंट को पकड़ लोगे तो आपकी बॉडी कभी भी गिरेगी नहीं। ठीक है, अब रीजन ये आया कि सर प्रॉब्लम पर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि हम उसमें उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिसका जहां पे उसका सारा मास एक्ट कर रहा है। ठीक है, जहां पे उसका सारा मास एक्ट कर रहा है इस वजह से ये नहीं गिर रहा। ठीक है, इवन अगर ये वाली नीचे वाली मैं पॉइंट हटा दूं, ये आपके सामने किस हद तक ये रोटेशन ले रहा है, अब ये गिरने की कंडीशन में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जगह स्टेबल है। रीजन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर इसको मैं चाहूं इवन मैं नहीं, आप भी इसको पकड़ लीजिए, बॉडी का सेंटर हो, देखो ये बॉडी का सेंटर नहीं है बल्कि बॉडी से बाहर का ही सेंटर बना हुआ है। देखो बॉडी तो ये थी ना, उसके अंदर एक पिन लगाई है, सेंटर तो इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, उसके बावजूद भी देखो ये अपनी जगह स्टेबल है। ठीक है, कोई उसके अंदर वो नहीं आ रहा, इसके ठीक हो गया, इसके अब इसका मतलब हम हमारे